एक्स में अलग वाई में अलग सॉल्व करने के लिए कॉस थीटा साइन थीटा वाला कंसेप्ट यूज कर लेंगे, और अगर बात करें एक्स वाई जेड की तो उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वाई बाई ए, कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड बाई ए, इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, मोस्टली हमें टू डायमेंशन में डिस्कस करना पड़ेगा, फिजिकल प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी और उसके बेस पे हमको इक्विलिब्रियम को सॉल्व करना है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम, और हम ये मान के चलेंगे कि वो बॉडी रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। अगर बॉडी की कांस्टेंट वेलोसिटी भी मेंटेन्ड है तो भी वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। कल मैंने लास्ट में डिस्कस किया था ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहता है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा तो उसकी वेलोसिटी या तो जीरो होगी या तो कांस्टेंट होगी। मोस्टली हम रेस्ट की कहानी करते हैं, लेकिन रेस्ट के अलावा भी अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी वो इक्विलिब्रियम में ही काउंट किया जाएगा। अगर कोई बॉडी कोई क्वेश्चन पूछे कि एक साइक्लिस्ट चलते हुए जा रहा है तो क्या वो इक्विलिब्रियम में है? हाँ, वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। किस चीज पे डिपेंडेंसी है? डिपेंडेंसी है कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाला नेट फोर्स जीरो है तब 100% वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, और उसकी वेलोसिटी या तो जीरो या रेस्ट पे होगा, जो जनरली हम लोगों को लगता भी है इक्विलिब्रियम की कंडीशन, और दूसरा कि या तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मेंटेन्ड है। तो हम इसके ऊपर तमाम क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करूंगा, धीरे धीरे करते करते टफ करते चले जाएंगे। डन। पहले बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन जो हम लोगों को कॉमन लाइफ में देखने को मिलते हैं। एक बुक रखी हुई है टेबल के ऊपर, सबसे आसान क्वेश्चन एम मास रखी हुई है, फाइंड नॉर्मल ऑन एम। सबसे आसान क्वेश्चन, मुझे लगता नहीं किसी को दिक्कत होगी। बताइए, फटाफट पहले आसान वाला एमजी बच्चों वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? रेस्ट पे है, एमजी डाउनवर्ड लग रहा है, बिल्कुल ठीक है, एमजी डाउनवर्ड लग रहा है, नॉर्मल ऊपर लग रहा है, तो एन बराबर क्या आ जाएगा? एफ नेट की वैल्यू जीरो रखनी है, एक वन डायमेंशन की बात ही कर रहा है, तो एन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? एमजी के, सिंपलेस्ट केस। एक ब्लॉक टू का, एक ब्लॉक फोर का, यहां नॉर्मल एन वन है, यहां नॉर्मल एन टू है, एन वन की वैल्यू एन टू की वैल्यू। मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि एफबीडी बना के सॉल्व कीजिए। जनरली जल्दीबाजी करने पे लोगों दिमाग में ये सेटअप बैठा लेते हैं कि ये वैल्यू तो इसके बराबर वेट के बराबर ही होती, तो कृपा करके माइंड सेटअप ना बनाए, एफबीडी बनाए, उसके बाद सॉल्व करें। एफबीडी जरूर बनाए, जैसे मैं बनाता हूं वैसे आप भी बनाए। फटाफट बताओ भाई क्या आएगी वैल्यू? टू जी एन वन, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें किसी को कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। टू जी सिक्स जी, हाँ बिल्कुल ठीक है, फोर जी एन वन और एन टू, इसके लिए सबके वैल्यू इक्विलिब्रियम में है, मालूम है कि इक्विलिब्रियम में है, तो एन वन बराबर टू जी आ जाएगा और एन टू बराबर एन वन प्लस फोर जी सिक्स जी, और एन टू की वैल्यू आ गई 60। ठीक, टेंशन वाले भी देख लेते हैं। यहाँ टी वन टेंशन है, यहाँ टी टू टेंशन, ये 4G है, ये 2G, टी वन की वैल्यू और टी टू की वैल्यू। जल्दी जल्दी, ये सब आसान आसान है, फटाफट करते चलिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। बताइए फटाफट जल्दी जल्दी, हाँ टी वन बराबर 6G, टी टू बराबर 2G, बच्चों वाले क्वेश्चन है लगता है देखने में, हाँ लेकिन ये बदल जाएंगे, ये टेंशन बदल सकते हैं, ये नॉर्मल बदल सकते हैं, कब? जब इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा तब।
अगर ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जाने लगे, एलिवेटर में रखा हुआ है तब जा रहा है, तब चीजें बदल जाएंगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, आदित्य सही है, ऋत्विक सही है, सबका सही है। अंजलि ठीक है बेटे, वही इशू नहीं, टी टू नीचे टू जी। फोर वाले के लिए टी वन ऊपर, टी टू नीचे एंड फोर जी नीचे। इस वाले के लिए टी टू ऊपर और टू जी नीचे। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छी बात है। टी टू बराबर टू जी, टी वन बराबर टी टू प्लस फोर जी, दैट इज इक्वल टू सिक्स जी। पॉइंट टेंशन एंड नॉर्मल, ये भी आसान है। मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल से स्टार्ट करके धीरे 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 चीजें बढ़ाता चला जाऊंगा, आप लोगों को फटाफट सॉल्व करते चलना है। जल्दी जल्दी करिए, बताइए। टेंशन बराबर सिक्स जी, नहीं गलत है। टेंशन टू जी, वेट विंड, दोनों की वैल्यू टू जी, टू जी आ रही। ठीक है, दलिशा ठीक है, उत्कर्ष ठीक है, देव देव, ऋत्विक ठीक ठीक ठीक, आदित्य ठीक। कौन है चिड़िया पीछे चहक रही भाई? सॉरी सर, माइक ऑन हो गया। तुम्हारे घर के पीछे चिड़िया चहक रही है, माइक ऑफ रखो। सर वो मैंने पाल रखी है। उन्होंने पाल रखी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छी बात है, पालना भी चाहिए। लॉकडाउन में एक फायदा तो हुआ, चिड़िया वड़िया सुनाई देने लगी, चिड़ियों की चहचहाट आ गया होगा, मुझे लगता नहीं दिक्कत है। इस पे टेंशन टी नीचे की तरफ टू जी, इस वाले पे टी ऊपर, नॉर्मल ऊपर, फोर जी नीचे। ठीक है, t बराबर 2g, t प्लस n बराबर 4g, तो n बराबर 2g। फ्रिक्शन कहीं नहीं है। क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? हाँ, सबको समझ में आ रहा है ना? नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा भाई? लॉजिकल है ये तो। चलो इक्विलिब्रियम में मान लिया, हो सकता है कि हो जाए। इसके लिए टी इधर लगा, नॉर्मल इधर लगा, टेन जी इधर लगा। टी को अगर मैंने रिजॉल्व किया इधर, टी कॉस 37 और इधर आया टी साइन 37,
क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि इस वाले के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स मेंटेन्ड है। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं है। मैंने पहले बताया एक्स में जीरो वाई में जीरो दोनों होना चाहिए, तो ये तो एक्स और वाई में जीरो जीरो है नहीं। वाई में हो सकता है जीरो हो जाए, लेकिन एक्स में तो जीरो है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, नामुमकिन केस है जीरो हो जाना, क्योंकि एक फोर्स मतलब है टी कोसाइन 37, टी जीरो होगा तभी पॉसिबल है और टी जीरो हो सकता नहीं। तो इसलिए ये सिस्टम किस में रहने वाला है, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इसमें एफ बराबर एम ए वाला कॉन्सेप्ट आएगा, हम उसको अगली वाली प्रॉब्लम में जब हम आगे नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे तो करेंगे। ये वाई में तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन एक्स में इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। वाई में इक्विलिब्रियम मतलब इंडिविजुअली अलग अलग बात की, तो वाई में तो पॉसिबल है कि एन प्लस टी कॉस 37 बराबर 10g, टी बराबर 2g नहीं हो सकता, ये चलेगा नीचे की तरफ, ये नीचे जाएगा और ये आगे जाएगा। यहाँ नॉर्मल N1 है, यहाँ नॉर्मल N2। फाइंड N1 एंड N2। अच्छे से बढ़िया से नीट एंड क्लीन डायग्राम बना के, बड़ा सा डायग्राम बनाएगा, बड़ा सर्कल बनाएगा, उसमें फोर्सेस शो कीजिए, एक्स में और वाई में अलग अलग रिजॉल्व कीजिए, फिर उनको सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं पहले कौन निकालता है, सॉल्व होता भी है कि नहीं होता है। N1 और N2 की वैल्यू बतानी है, 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, मास M ले लीजिए, M के टर्म में आंसर आएगा। इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम करनी है हमें, नेट फोर्स जीरो रखना है, X में अलग रखना है, Y में अलग जीरो रखना है, ठीक है। ठंडे दिमाग से बेटर तरीका है, फटाफट आराम से बढ़िया से बड़ा सर्कल बनाइए, उस पर नॉर्मल फोर्सेस शो कीजिए, इंक्लाइन जरूर दिखाइए। उत्कर्ष का 2mg बाई 2√3mg, 2mg और 2√3mg, वेट से ज्यादा नॉर्मल नहीं, नॉर्मल की वैल्यू वेट से ज्यादा नहीं हो सकती, अभी फिलहाल सिंपल केस में नॉर्मल की वैल्यू वेट से ज्यादा नहीं हो सकती। N1 mg/2, ठीक है, मौलिक ठीक है बेटे, N1 की वैल्यू mg/2, ठीक है। एसयूवी में सर किसी का माइक ऑन है, बार बार स्क्रीन जा रही है, कृपया करके माइक सभी लोग ऑफ करें अपना।
ये एंगल 60 डिग्री, तो ये भी एंगल 60 डिग्री, ये 30, ये 60, ये 30 और ये 60, तो 60, ये वाला बचा 30, ये हो गया 60, ये हो गया 30 और ये हो गया 60, ठीक है। एंड टू ये है 30, तो ये 60, ये 30, ये 60, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। जल्दी बाजी नहीं करनी है, एंगल को ध्यान रखना है। अब तीन फोर्सेस हैं N1, N2 और MG, एंगल दे रखे हैं, इनको रिजॉल्व करते हैं। मैं तो फिगर में ही रिजॉल्व करता हूं, मुझे अच्छा लगता है। हाँ, सिद्धार्थ का आ रहा है N2 बराबर 2√3 MG और 1+√3। देखते हैं बेटे N1 की वैल्यू, N1 cos 30, जिधर थीटा उस तरफ cos और उसके परपेंडिकुलर N1 sin 30, N1 रिजॉल्व हो गया। N2 को रिजॉल्व किया, माइक ऑन है भाई किसका, सी कौन है ये आशीष बेटा, माइक ऑन है बेटे। N2 cos 60 और N2 अपने दोनों साइड रिजॉल्व होता ध्यान रखना पड़ेगा, वेक्टर है तो दोनों साइड किताब ओपन होगी, जिस तरफ एंगल थीटा उस तरफ का कंपोनेंट cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट N2 साइन 60, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल का नेट फोर्स जीरो, वर्टिकल का नेट फोर्स जीरो, तो इक्वेशंस बनेंगी दैट इज इक्वल टू N1 cos 30 इज इक्वल टू N2 cos 60। तो N2 सॉल्व कर लिया √3/2, N2 बराबर √3 N1, फर्स्ट इक्वेशन x में, y में N2 sin 60 प्लस N1 sin 30 बराबर MG, वैल्यू पुट कर लेते हैं। N2 sin 60 मतलब √3/2, N2 प्लस N1/2 इज इक्वल टू MG, √3/2 इंटू √3 N1 प्लस N1/2 इज इक्वल टू MG, 3/2 प्लस 1/2 बिकम्स 2, 2N1 इज इक्वल टू MG, शोज N1 इज इक्वल टू MG/2 एंड N2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स, तो √3/2 MG। कोई डाउट, ठंडे दिमाग से फोर्स दिखा करके एक्स और वाई में रिजॉल्व किया। सर एक बार दोबारा बता दो। हाँ बताता हूँ बेटे, ध्यान दो। पहला काम है नॉर्मल फोर्सेस परपेंडिकुलरली, सरफेस के परपेंडिकुलरली N1 शो किया, सरफेस के परपेंडिकुलरली N2 शो किया, गॉट इट। अब ट्राइंगल के साथ 90 डिग्री बनाना है, मतलब उसके बेस के साथ इंक्लाइन के साथ बनाना है, तो 60 डिग्री, ये 60 तो ये वाला एंगल भी 60, ये 60 जो 90 होता है ये 30 हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल में 30 तो 60 हो जाएगा, ये 60 है तो ये बचेगा 30, ये 30 है तो ये आपस में 90 डिग्री पे है 60 डिग्री। तो इस तरीके से देखते हुए हमने एंगल की वैल्यू चेक कर ली, ये 30 है तो यहाँ से ये 30 हो गया, इधर से निकालेंगे ये 60 तो ये 60 बन जाएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने रिजॉल्व किया, MG तो डाउनवर्ड लग रहा था, इसको ऐसे एज इट इज लगे रहना, N1 को रिजॉल्व किया अपने दोनों साइड, किताब जैसे खुलती है वैसे अपने दोनों साइड रिजॉल्व होगा x में और y में। तो अब मैंने रिजॉल्व किया, जिस तरफ एंगल थीटा उस तरफ कंपोनेंट cos थीटा,
उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो एन वन कॉस 30, एन वन साइन 30, कोई डाउट नहीं। अब आया एन टू की बारी को, एन टू को रिजोल्व किया, जिस तरफ एंगल थीटा कॉस थीटा उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। अब मुझे मालूम है कि ये इक्विलिब्रियम में है बॉडी, यानी ये फोर्स इस फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा और ये दोनों फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहे होंगे। इस तरीके से भी समझ सकते हैं, नेट फोर्स Fx इक्वल टू जीरो मैथमेटिकली लिखना चाहे तो मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे, एन वन कॉस Fx इज इक्वल टू जीरो, एन वन कॉस 30 माइनस एन टू कॉस 60 इज इक्वल टू जीरो। बात वही बनेगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। Fy इज इक्वल टू जीरो लिखूं तो एन वन साइन 30 प्लस एन टू साइन 60 माइनस Mg इज इक्वल टू जीरो। मैथमेटिकली तो ऐसे लिखा गया, Fx इज इक्वल टू जीरो, Fy इज इक्वल टू जीरो, लेकिन हम कॉमन सेंस जानते हैं, ये वाला फोर्स को बैलेंस कर लेगा, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर लेगा, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में। तो एन वन कॉस 30 बराबर एन टू कॉस 60 वैल्यूज पुट कर दी तो एन टू की वैल्यू आ गई रूट थ्री टाइम्स एन वन नॉर्मल, एन टू साइन 60 प्लस एन वन साइन 30 इज इक्वल टू एम जी वैल्यूज पुट कर दी और एन टू की वैल्यू एन वन के टर्म में पुट कर दी, ये एन वन के टर्म में बन गया, एन वन की वैल्यू निकली तो एन टू की वैल्यू निकल गई। क्लियर हुआ, आ गया बेटे समझ में? यस सर। चलो देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही दे रहा हूं ध्यान से। ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, यहाँ एन वन है, यहाँ एन टू, फाइंड एन वन एंड एन टू, निकालिए जल्दी से। एन वन बाई एन टू पूछ लेता है, रेशियो पूछ लेता है। फोर्टी फाइव थर्टी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एंगल बदल दिया बस। जल्दी से निकालिए, फटाफट आंसर दीजिए सभी लोग। एफबीटी जरूर बनाइए, बिना एफबीटी बनाए आगे मत बढ़िए। फ्री बॉडी डायग्राम के बिना आगे बढ़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी आगे, तो एक प्रैक्टिस बनाइए दिमाग में, भले ही थोड़ा सा दो मिनट का टाइम, एक मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगे, लेकिन बिना एफबीटी के आगे नहीं बढ़ना। धीरे धीरे इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी दिखने लगेगा, उसी फिगर में बना दिया करेंगे। एन वन की वैल्यू बता रहे हैं एम जी बाई रूट थ्री, ठीक है देखते हैं। आराम से कंफर्टेबली सारे फोर्सेस दिखाओ इंक्लाइन के साथ एंगल पे, फिर उसके बाद उनको रिजॉल्व करो। हाँ एम जी mg by root 2 n2 बता रहा है भव्य, देखते हैं बेटे। अंजलि n1 की root root 2 mg by root 3 plus 1, अच्छा ठीक है, मुझे भी लग रहा है ऐसा ही कुछ आएगा। दलिशा root 2 mg by root 3 plus 1, हाँ दलिशा तुम्हारा भी आ रहा है, अंजलि का भी वही आ रहा है, ठीक है। मौलिक, हाँ बेटे मौलिक का भी यही आ रहा है, ठीक है, तीनों का सेम आ रहा, सही है। हाँ उत्कर्ष, ठीक है बेटे,
सबका सेम आ रहा है। आदित्य भाभी चेक करो बेटा गलत है। यस सर। आदित्य हाँ ठीक है बेटे, सभी लोग करना है, सभी लोगों को करना है, कोई बात नहीं, जल्दी हो लेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करना सबको अपने आप ही है, कोई नहीं रुकेगा। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, बस आपको ठंडे दिमाग से फोर्सेस को शो करना है, N1 N2 और MG। यही प्रैक्टिस है, इसीलिए मैं बिल्कुल प्रैक्टिस करा रहा हूँ, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं, मैं शुरुआत के 5-10 दिन ऐसे ही लेता हूँ, पूरा प्रैक्टिस कराता हूँ, जिससे धीरे धीरे फोर्सेस में कभी गड़बड़ी नहीं। पूरे 2 साल ये फोर्सेस यूज करने हैं हमें, इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सब लोग अपना अपना आंसर निकाले। हाँ ठीक है, सभी का आने लगा धीरे धीरे आंसर, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड। 2 mg बाई रूट प्लस 1, रूट 2 प्लस 1, यार दोनों लोग एक ही आंसर लिख रहे हो, अंजलि भी और मौलिक भी, रूट 3 प्लस 1, ठीक है। चलो चलो चलो, बाकी लोग और क्यों भाई शांति से बैठे हो, फटाफट करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, पिछला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल वैसे ही है ये भी, बस एंगल एंगल का ध्यान रखना है। प्रियांशु ठीक है, प्रियांशु गर्ग ठीक है, ठीक है बेटे सबको आंसर देना है भाई। हाँ हिमांशु ठीक है बेटे, ठीक है प्रांजल वेरी गुड, ठीक है ठीक है। आदित्य ठीक है, दुरान ठीक है ठीक है, वेरी गुड, जल्दी करिए भाई जल्दी करिए, सभी लोग करिए, कई लोग अभी आंसर नहीं दे रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, पार्थ लेफ्ट कर गया, ठीक है। 2/√3+1 mg, ओके डन। चलो 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 जल्दी जल्दी आंसर करो, अभी कई लोग बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, सर करें करना करें तो। हाँ पूरव ठीक है बेटे, हाँ दीपांशु यादव ठीक है बेटे, आयुष ठीक है बेटे, गुड। लोकेश ठीक है वेरी गुड, देख के आंसर नहीं निकालना है, किसी का देख के आंसर नहीं देना है, अपना देना है, गलत आएगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं, सीखने का समय। धीरज N2/√, क्या लिख रहे हो भाई, रूट लिख दिया है, गलत आएगा चलेगा, लेकिन आंसर सबका आना चाहिए, ये सीखने का समय है, इस वक्त हम कोई कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, अभी हम केवल चेकआउट कर रहे हैं। कृष्णकांत ठीक है बेटे, √6/√3+1 mg, हाँ देखना पड़ेगा, √6 नहीं है। आयुष गुप्ता ठीक है, हाँ ठीक है बेटे। अंश ठीक है बेटे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, गुणा भाग करना है, जोड़ना घटाना है, कुछ खास मुश्किल काम नहीं है, बड़ा सा सर्कल बनाऊंगा मैं। ये एंगल 45, ये भी एंगल 45। सिद्धार्थ ठीक है, धीरज ठीक है, √2+6, अच्छा देखते हैं, हाँ सही है सही है। ये एंगल 30, तो ये भी एंगल 30, ये एंगल 30, ये 60 हो गया, तो ये भी एंगल 60 हो गया, ठीक। और वेट नीचे, एंगल में किसी को डाउट नहीं, एंगल चेक करना आपका काम, 30 है तो ये 30, तो ये बन गया 60, ये 60 तो ये भी एंगल 60। N1 रिजॉल्व किया, N1 अभिनव ठीक है बेटे, N1 cos 45, जिस तरफ एंगल थीटा उस तरफ कंपोनेंट cos थीटा, उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट sin थीटा, N1 sin 45, N2 को रिजॉल्व किया, N2 cos 60, N2 sin 60, done। अब N1 cos 45 is equal to N2 cos 60, N1/√2, ऋत्विक ठीक है बेटे, cos 60, N2/2 shows N2 is equal to √2 N1, वैल्यू पुट करके ये निकाल लिया पहले इक्वेशन। अब आई बात दूसरी इक्वेशन की,
एन टू साइन 60 प्लस एन वन साइन 45 इज इक्वल टू एम जी। ठीक है, रूट थ्री बाई टू एन टू प्लस एन वन बाई रूट टू इज इक्वल टू एम जी। एन टू की वैल्यू पुट कर देते हैं, रूट सिक्स एन टू बाई टू या अभी एन वन, एन वन बाई रूट टू बराबर एम जी, या रूट थ्री बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू एन वन बराबर एम जी। तो एन वन की वैल्यू निकल गई रूट टू एम जी बाई रूट थ्री प्लस वन, और एन टू की वैल्यू रूट टू टाइम्स करना है तो एन टू की वैल्यू हो गई टू एम जी बाई रूट थ्री प्लस। ठीक है, क्लियर हुआ? किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आज बस प्रैक्टिस करनी है, ध्यान रखना है। आज का काम यही है कि ये फोर्सेस शो करने में दिक्कत ना आए, कंपोनेंट रिजॉल्व करने में दिक्कत ना आए, अभी नहीं में से कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आगे चल के। ठीक है, चलिए बढ़िया बात है। अब मैं अगला दे रहा हूं ठंडे दिमाग से, थोड़ा पहले इसमें एक चीज सोचनी है। इसे टच्ड है, मेरा एक क्वेश्चन है, तीन वेरिएबल है n1 n2 n3, इक्वेशन बन सकती है दो, x में एक y में एक, तो वेरिएबल तो तीन है n1 n2 n3, कैसे सॉल्व होगा? या तो टॉर्क टूर या मोमेंट वाला कहानी है, या तो एक लॉजिक से बता दिया जाए। अच्छा, कॉमन सेंस से सोच के बताइए, n1 और n2 में से कोई क्या टेंशन नॉर्मल फोर्स जीरो हो? आपके लॉजिक के हिसाब से थोड़ा सा लॉजिक लगाएं और मुझे बताएं कि क्या इनमें से कोई नॉर्मल जीरो हो सकता है? दलशा बोल रही है एन टू जीरो होगा, एन टू, एन टू जीरो होगा। अच्छा, पक्का एन टू जीरो होगा? और लोग सोचिए, एन वन और एन टू में से मैं कह रहा हूं, चलिए मेरी बात मानते हुए एक नॉर्मल जीरो है। कौन सा नॉर्मल जीरो होगा, सोचिए और बताइए। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इस पे लगने वाले नॉर्मल को चेक कर लो, इस जगह पे नॉर्मल जो लग रहा होगा उसको चेक करो, उसके कंपोनेंट देखो। हाँ, n1 जीरो नहीं होगा आदित्य, सोचना है, यही सोचना है, ध्यान देना है। देखो ये है n3, n3 के दो कंपोनेंट्स, इसको तो बैलेंस कर लेगा वेट,
इस वाले कंपोनेंट को तो बैलेंस कर लेगा वेट, लेकिन इस वाले कंपोनेंट को कौन बैलेंस करेगा? इधर से n1 लग रहा है, इधर से n2 लग रहा है, कौन बैलेंस करेगा? n1 की n2? n1, n1 बैलेंस करेगा ना, तो क्या जीरो होना चाहिए? n2, n2 इज जीरो, समझ में आया? n2 ये हो गया जीरो, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस भी कभी कभी यूज करवा लेता है। अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये 37 तो ये भी 53 है, 37 n3 cos 37 is equal to mg और n3 sin 37 is equal to n। सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। तो ये बन गया 4 by 5 n3 is equal to mg, तो n3 बराबर 5 mg by 4, ठीक। और 5 mg by 4 into 3 by 5 is equal to n1, तो 3 mg by 4 is equal to n1। अच्छी बात है। हाँ बेटे, सर इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जो n3 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और उसमें n2 ऐड हो जाए तो वो n1 के बराबर हो। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन जरा सोच के देखो किधर जाना चाहता है वो ब्लॉक, इंक्लाइंड से नीचे। हाँ, किस दीवार पे फोर्स लगाएगा? बिल्कुल टच्ड है, बिल्कुल दोनों से टच्ड है, तो किस दीवार के सारे चिपकने की कोशिश करेगा? n1 वाली। एंड टू जो कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, मतलब कांटेक्ट ब्रेक क्या, उससे कोई लेना देना ही नहीं उसका, है कि नहीं? यस सर। इसके ऊपर इजीली स्लाइड कर सकता है, तो बिल्कुल टचिंग, जैसे कॉलर वाली कहानी, जस्ट टचिंग वाली कहानी। तो इसमें हमको अक्सर देखने को मिलेगा ऐसा कि दबाया नहीं गया है दोनों को एक तरह से, ये उसके ऊपर आराम से, अगर मैं फ्री फॉल इसको नीचे से गायब कर दूं तो दोनों नॉर्मल जीरो हो जाएगा, मानती हो? यस सर। इंक्लाइन गायब कर दिया है तो दोनों नॉर्मल जीरो, क्यों? इजीली स्लाइड कर रहा है, एक गिलास के अंदर दूसरी गिलास स्लाइड करते हुए चली जा रही है, तब नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जीरो है। लेकिन जब एक तरफ धक्का लगाऊंगा तो एक तरफ वाला नॉर्मल आ जाएगा, दूसरी तरफ वाला नॉर्मल क्या हो जाएगा? जीरो ही बना रहेगा। समझ में आई? ये इस तरफ प्रेस करना चाह रहा है तो इस तरफ वाला नॉर्मल कायदे से लॉजिकली यही बोला जाएगा एन वन माइनस एन टू इसको कंपनसेट कर रहा है, लेकिन एक कॉमन सेंस क्या कहता है, मैं बिल्कुल एक दीवार के सहारे सरकता हुआ जा रहा हूं, तो जब मैं एक तरफ धक्का लगा दूंगा तो मेरा नॉर्मल उस तरफ, मतलब उस दीवार से मैं टच कर जाऊंगा, दूसरी वाली दीवार से क्या करूंगा मैं, कॉन्टेक्ट ब्रेक कर जाऊंगा, ब्रेक मतलब नॉर्मल बिकम्स जीरो। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है इसमें, ठीक है ना? ओके सर, ध्यान दो भाई। चलो ये बताओ भाई, देखते हैं क्या करते हो। एक रॉड दे रखी है, डोर से बंधी हुई है, ये 37 डिग्री एंगल है, ये 53 डिग्री है, ये टेंशन T1 है, ये टेंशन T2 है, इसका मास mg, T1 एंड T2 बताना। थर्टी सेवन डिग्री पे 53 डिग्री एंगल, वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा है। निकालिए और बताइए।
बिल्कुल नॉर्मल जैसा ही है ध्यान रखते हुए, दो टेंशन है T1 एंड T2। रॉड को इक्विलिब्रियम में रखना, एक रॉड दे रखी है, दलिशा का T1 आ रहा है 3 mg/5। ठीक है, देखते हैं। और दूसरा आ रहा है 4 mg/5 दलिशा का, वेरी गुड। बाकी लोग क्या कर, मौलिक का 3-1, अंजलि 3, T1 4 mg/5। इधर वाला T1 लिया अंजलि, अच्छा उल्टा लिया, हाँ तभी तो ये कम आएगा या ज्यादा आएगा। ठीक है, यश का भी ठीक आ रहा है, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। बस कुछ नहीं करना है, हाँ आराम से, जिन्होंने अभी कॉल करना है देखो ध्यान से, बस स्पीकर लगाना है, टेंशन रिजॉल्व कर लिया। 37 डिग्री इधर, सॉरी T2 है ये, T2 53 डिग्री है और वेट है, इसको रिजॉल्व कर लो। इधर इधर x का 4-0 कर लो, y का 4-0 कर लो, खत्म। फटाफट करो, बताओ भाई क्या आ रहा है, सभी लोग करो। सिद्धार्थ का आ गया T1। भव्य का भी आ गया 3 mg/25। कहाँ सोए हुए भव्य, आजकल आंसर सही नहीं आ रहा तुम्हारा। हाँ ठीक है, देव का, सिद्धार्थ का, ऋत्विक का, सब सर मेरा उल्टा आ रहा है, T1 की जगह T2 उल्टा ले लिया होगा, एंगल कंपोनेंट ध्यान गलत कर दिए होंगे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो जाती थोड़ी बहुत। T2 अंश का आ रहा है 4 mg/5। ठीक है भाई, तुमने अलग टेंशन ले लिया होगा। आदित्य नहीं यार, गलत है, आस्था ठीक है बेटे। स्नेहा ठीक है, स्नेहा ठीक है बेटे, बस आदित्य ठीक है, इज इक्वल टू mg। cos 53 बिकम्स 4/5 T1 प्लस, ठीक है धीरज, यश ठीक है, वेरी गुड, सभी लोगों का आ गया 3/5। cos 53 तो 3/5 होता है ना, सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक का क्या करूं मैं, 3/5 4/5 × 4/5।
ठीक है फोर बाई थ्री ठीक है टी वन बराबर कॉस थीटा थ्री ठीक है थ्री बाई फाइव फोर बाई फाइव टी टू बराबर है थ्री थ्री बाई फाइव टी वन फोर बाई फाइव इंटू फोर बाई थ्री इज इक्वल टू एम जी देवेश ठीक है बेटे टी वन 25 by 15 T1 is equal to mg. T1 is equal to 3 by 5 mg. T2 is equal to 4 by 3 कर लिया तो 4 by 5. अभी ना ठीक है बेटे. चलो एक ऐसा ही और कर लो फटाक से. इसमें टेंशन T1, इसमें टेंशन T2, इसको ले लो 37 डिग्री निकालो फटाक से. ये हॉरिजॉन्टल है, T1 वाला हॉरिजॉन्टल है, आसान है, फटाक से निकाल दे. तब मिलेंगे आपको किताबों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकालिए, एज क्विक एज यू कैन. जल्दी से निकालिए. अच्छा सिद्धार्थ का आ रहा है 5 mg by 3, देखते हैं T2 की वैल्यू. चलो हाँ 5 by 3 सही तो है, नहीं 4 by 5, 5 by 4 cos 37 नहीं T1 आएगा बेटे 5 by 4. हाँ भव्य सही है दलिशा ठीक है. सिद्धार्थ जल्दी कर दिया लेकिन 5 by 4 आएगा, 5 by 3 नहीं. sin 37 cos 37 की वैल्यू गलत ली अंजलि. हाँ ठीक है 5 mg by 4 ठीक है उत्कर्ष ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सभी का ठीक है. लोकेश ऋत्विक अंजलि मौलिक उत्कर्ष आदित्य बलिशा चलो 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 जल्दी जल्दी भाई फटाफट करो क्विकली. उत्कर्ष ठीक है थ्री टी वन बराबर थ्री बाई फोर एम जी. हाँ हो सकता है, हाँ थ्री हो सकता है, फाइव बाई फोर, फाइव बाई फोर, 5 by 4 हो गया तो इधर हो गया 5 by 3. हाँ पूरा ठीक है बेटे. स्नेहा ठीक है, गुड़िया अंजलि ठीक है बेटे, लोकेश ठीक है, हिमांशु ठीक है. दीपांशु ठीक है, आस्था ठीक है, दलिशा ठीक है, प्रांजल ठीक है, सब कंफर्टेबल हो गए, अच्छी बात. तो ऐसे ही फोर्सेस दिखाते रहना है और सब कुछ काम करते रहना. अभी नेट फोर्स जीरो करना है, आगे बराबर है, हमें कर देना है, एक्सेलरेशन आ जाएगा. बाबू ठीक है T2 को रिजॉल्व कर लिया, अब इसी में रिजॉल्व करना बार बार डायरेक्ट. T2 cos 37 अभी ना ठीक है बेटे, T2 sin 37 4 by 5 T2 is equal to mg. अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बार बार लंबी इक्वेशन लिखने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है. T2 is equal to 5 mg by 4. देवेश ठीक है, ऋत्विक ठीक है, और 3 by 5 T2 is equal to T1. So T1 is equal to 3 by 5 into 5 by 4 mg. So T1 की वैल्यू आ गई 3 by 4. सभी लोगों को समझ में आ गया, अच्छी बात है.
ये बढ़िया क्वेश्चन है। एम कैपिटल है, आपको थीटा बताना, ये 45 डिग्री है। ओहो, T1, T2, T3 तीन टेंशन है, थीटा बताना, देखें कौन सॉल्व कर लेता है। ध्यान रखना, इस जगह T2, T3 और MG का गेम रहेगा, इस जगह T1, T2 और MG का गेम रहेगा। इसको चलो दोनों को स्मॉल M ले लेते हैं, दोनों सेम ले लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन जो इसका स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसमें एक में स्मॉल M, एक में कैपिटल M, स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन है, तो दोनों स्मॉल M के, दोनों स्मॉल M के। आपको थीटा की वैल्यू बताना, निकालिए tan थीटा बराबर दिस, दिस बराबर दिस, तो दो दो चार इक्वेशन बनेंगे, चार, दो यहां के लिए, दो यहां के लिए। ठंडे दिमाग से सोच के बिल्कुल अच्छे तरीके से बना के फिगर सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए, आ जाएगा। फुल टाइम दे रहा हूं, आराम से पूरा टाइम लेके सॉल्व करिए और बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं। ये क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड है, कई जगहों पे देखने को आपको मिलेगा। प्रत्युष का आ रहा है थीटा 45 डिग्री, देखते हैं। मुझे लगता नहीं 45 आएगा, प्रत्युष मुझे लगता नहीं 45 डिग्री आएगा। धीरज का थीटा 15 सॉरी सर, हाँ कोई बात नहीं, देव 10 इनवर्स ऑफ हाफ, हाँ देव मुझे ही सही लग रहा है, ये कुछ सही लग रहा है। दलिशा 10 इनवर्स ऑफ हाफ, हाँ ये भी सही लग रहा है, दलिशा ठीक लग रहा है। कुछ ऐसा ही आएगा टाइम इनवर्स करके, और जब स्मॉल एम कैपिटल एम देगा तो स्मॉल एम कैपिटल एम के फॉर्म में आ जाता है, टैन इनवर्स ऑफ समथिंग 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 करके। टैन इनवर्स 1/2 लोकेश मलिक, बिल्कुल ठीक है बेटे लोकेश। आदित्य भास्कर टैन इनवर्स 1/2 ठीक है। पब्लिकली मैसेज भेज दिया करो, प्राइवेटली भेजने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सबको भेजा करो, हर कोई अपना आंसर टू ऑल करके भेजे, हाँ टेन इनवर्स 1/2 ठीक है अंजलि ओके ओके, हाँ प्राइवेटली नहीं भेजना, सबके सामने खुले आम चलना चाहिए ना, लोगों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए, जो भी रहे सबके सामने ओपन रहे। मौलिक ठीक है, टेन इनवर्स 1/2
ठीक है। टैन इनवर्स आप बिल्कुल ठीक है ऋत्विक, बढ़िया, सब लोगों ने दिमाग लगा लिया, समझ में आ गया हो क्या कर? दो तो जगहों में कहानी करता है, बढ़िया, सब जब समझ में ना आए तो फिगर बढ़िया होना चाहिए। दिस 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 T1 MG T2 45 degree रिजॉल्व करते वक्त मैं हमेशा कट मारता हूँ, आप लोग भी कट मारा कीजिए। सिद्धार्थ कह रहे हैं tan इनवर्स, बिल्कुल ठीक है। cos 45 अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ t2 by root 2 cos 45 sin 45, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, घबराइएगा नहीं। cos 45 sin 45 इस वाले भाई पे आ जाओ, t2 mg T3, ये एंगल थीटा, क्योंकि ये भी एंगल थीटा, ठीक, रिजॉल्व कर लिया। T2 by root 2 रिजॉल्व कर लिया। T3 साइन थीटा, T3 cos थीटा, अब देखो कैसे निकालेंगे। T3 sin थीटा बराबर T2 by root 2, और यहां से T2 by root 2 इज इक्वल टू mg, पुट कर दिया, ये वैल्यू हो गई mg। फर्स्ट T3 cos थीटा बराबर T2 by root 2 प्लस mg, दैट इज mg प्लस mg, दैट इज 2 mg। इन दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2 कर दिया, T3 कट गया, क्या बचा, tan थीटा इज इक्वल टू mg by 2 mg, That is 1/2। उत्कर्ष ठीक है बेटे, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1/2। अब इसी जगह ये स्मॉल एम होता, ये कैपिटल एम होता, तब क्या होता, इसको कैपिटल एम लिख लो, चलो प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लो, ये कैपिटल एम हो गया और ये स्मॉल एम हो गया, तब T2 by root 2 की वैल्यू कैपिटल एम जो जाती है, तब यहां सॉल्व तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो जाता है ना। किसी को डाउट हो इसमें तो बताइएगा, ये घर पे प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लीजिएगा, ये घर पे सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, और किसी को कोई डाउट इसमें आ रहा हो तो बताइए, नहीं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर मंडे को थोड़ा सा इसके ऊपर मोमेंट वाला गेम भी डिस्कस करेंगे। डीसी पांडे सबके पास है, एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स की, और मोमेंट ऑफ फोर्स बताया है, हालांकि मैं चाहता तो नहीं हूं कि अभी बताना, क्योंकि मैं पूरा रोटेशन में डिटेल में पढ़ाऊंगा उसको, लेकिन मैं एक हल्का फुल्का ग्लिम्स दे देता हूं आपको, इससे आपको दिक्कत ना आए, पेपर डीसी पांडे सॉल्व करते हो तो आपको लगे कि हो ही नहीं रहे सॉल्व, इसलिए मोमेंट ऑफ फोर्स मंडे को आप लोग पढ़ भी लीजिएगा और हम थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लेंगे, डन। ये एक सिलेंडर है, इसको धागे से बांध, मास एम है 37 डिग्री है, टेंशन और नॉर्मल बताइए, फाइंड टी
एंड नॉट। आसान सा क्वेश्चन है बच्चों वाला, कुछ खास मुश्किल नहीं है। सिलेंडर इक्विलिब्रियम में फटाफट निकाल लीजिए, बिल्कुल आसान सा बच्चों वाला है, जल्दी से आंसर चाहिए। ठीक है ना, आज का ये क्वेश्चन लास्ट करते हैं, फिर मंडे को हम लोग मोमेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स। थोड़ा सा डीसी पांडे आपके पास सबके पास है, जिसके पास ना हो मुझे मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। ठीक है, और इसको पढ़ करके इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेना, इक्विलिब्रियम के ऊपर न्यूमेरिकल जो आपको मिले किताब के अंदर देख करके समझ के सॉल्व कर लीजिएगा। जहां रेस्ट की बात करें वो इक्विलिब्रियम है। जल्दी करो भाई, टेंशन और नॉर्मल की वैल्यू बताओ, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट फटाफट सॉल्व हो जाना चाहिए। टेंशन की वैल्यू 4/3 mg आई नहीं, टेंशन की वैल्यू आएगी हाँ 5 mg/4। भव्य सही है, देव सही है 5 mg/4, दलिशा 5 mg/4, आदित्य सही है, आदित्य भास्कर 5 mg/4 करेक्ट। एन की वैल्यू भेजी थी। अच्छा एन की भेजी थी, लिखा तो टी था सर, एन ही लिखा था। अच्छा एन लिखा तो कोई बात नहीं, सही है अंजलि, ठीक है बेटे, आदित्य ठीक है, प्रांजल स्नेहा सबका सही है, बहुत बढ़िया उत्कर्ष ठीक है, यश ठीक है, लोकेश ठीक है, उत्कर्ष ठीक है, सबका सही होगा मुझे लगता नहीं, इसमें अब कोई बताने वाली चीज बची हुई है। टी को रिजॉल्व कर लिया, इधर आ गया एन, इधर लगेगा एम जी नीचे लगेगा, टी कॉस 37 टी साइन 37, बस हो गया सॉल्व, पुट कर लिया आंसर आ गया, टी कॉस 37 बराबर एम जी, तो टी की वैल्यू हाँ बिल्कुल ठीक है बेटे, और एन की वैल्यू टी साइन 37 पुट कर लिया तो टी की वैल्यू आ गई 5 mg/4, और एन की वैल्यू हो गई 5 mg/4 × 3/5 3 mg/4। Done? तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आप देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और थोड़ा सा मोमेंट ऑफ फोर्स दे रखा है डीसी पांडे में, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, पढ़ के फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा हल्का फुल्का, उसमें देख कर आएगा। कल क्लास होगी क्या? कल क्लास नहीं लेते हैं, बहुत संडे हम लोगों ने क्लास ली, कभी कभी संडे ऑफ भी रखना चाहिए, छुट्टी का भी तो फीलिंग आना चाहिए ना, तो कल संडे ऑफ रखते हैं, मंडे को डिस्कस करेंगे। तो टाइम नहीं है आपको इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, अब कल संडे का दिन है, पहला काम इसको सॉल्व कर लीजिए। अब पिछले वाले टेस्ट का पेपर भी होने वाला है ना, कंबाइंड 1+2 वाला टेस्ट होने वाला है सर, तो मैं उसको रिवाइज कराऊंगा पेपर के पहले, जो बच्चे नहीं थे उनके लिए थोड़ा बहुत एडवांटेज है कि मैं दोबारा एक बार उनको रिवाइज भी कराऊंगा, तो अब आप पुराना वाला भी पढ़ते रहिए, डिस्कस करने के लिए तैयार रहिए, उसको भी किसी दिन मौका पा करके, कल संडे का दिन है, पुराना एक बार रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा बहुत इस पे क्वेश्चन मिलेंगे वो कर लीजिए, और बाकी पुराना रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, पेपर की नेक्स्ट, मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक ही तो है, कब है बताओ? यस सर, नेक्स्ट वीक है, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वाले वीक में 22 को। हाँ 22 को है ना, ठीक है, तो आप तैयारी उसकी भी करते रहिए, कल संडे का दिन है, कल का दिन, आज का दिन और कल का दिन मिला करके पूरी तैयारी कीजिए, पुराने रिवीजन में जहां जहां डाउट्स हो, जो जो दिक्कतें हैं उनको अंडरलाइन कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व नहीं किए थे वो सॉल्व कर लीजिए, जो जो बुक्स और भी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं डीसी पांडे के अलावा, सिंगेज ये वो भी सॉल्व कर लीजिए, जो नहीं आएंगे हम फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, तो और इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लीजिए बाकी मंडे को। थैंक यू बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे। सर एक डाउट था वो बता दीजिए प्लीज। बताइए बताइए सर, ये पैरेललोपिपेड क्या होता है? पैरेललोपिपेड मतलब वो क्यूबॉइड, वो देखा ना पैरेललोपिपेड, अब उसको कैसे बताऊं मैं, क्यूबॉइड देखा है? क्यूबॉइड जी सर। क्यूबॉइड को थोड़ा स्लांट कर दो, पैरेललोग्राम के ऊपर बेस बना के बना दो, पैरेललोपिपेड हो गया। ओके सर। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड को थोड़ा दबा दो तो एक पैरेलल बन जाएंगे सर, ऐसे तिरछी तिरछी। हाँ हाँ जी सर, ऐसे ऐसे, ठीक है, अब समझ में आ गया? हाँ सर समझ गया मैं। तो पैरेललोपिपेड मतलब पैरेललोग्राम है, वो थोड़ा सा स्लांट कर दिया ऐसा। Done? Yes, yes sir. Angle 90 नहीं है, angle parallel है लेकिन 90 degree नहीं।
यस सर ठीक है बच्चों, बाकी मंडे को कंप्लीट कर लीजिएगा इसको और अपना पुराना रिवीजन भी करते रहिए, उसको छोड़ना नहीं है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।